डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आज मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्थापित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं आज डिग्री पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के स्वच्छ और हरित परिसर में आकर बहुत प्रभावित हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल है। विश्वविद्यालय का परिसर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग मानकों पर आधारित है। नो मोटर व्हीकल डे और बाइसाइकिल बैंक जैसी प्रयास भी सराहनीय है। नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए ये विश्वविद्यालय देश के कई प्रमुख संस्थानों जैसे सेंट्रल ड्रॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट NIPER राइवलरी और IIT BHU के साथ सहयोग करके आगे बढ़ रहा है। मैं इसके लिए आप सबकी सराहना करती हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में जितना संघर्ष था उतनी ही उनकी उल्लेखनीय भी कार्य था। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए देश विदेश में श्रेष्ठ शिक्षा हासिल की। एक प्रसिद्ध विद्वान मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुशल वकील होने के साथ साथ वे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री भी थे। अपनी दूरदृष्टि के द्वारा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ का इस्तेमाल और समाज कल्याण हेतु व्यवस्थाओं और प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया। उनका जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आदर्श और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आप सब कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी साध कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, कल ही मैंने UP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में भाग लिया। ये समिट देश और प्रदेश में एक नई ऊर्जा के संचार का संदेश दे रहा है। इससे निवेशों व व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। आज मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगी कि आप सब शिक्षा को इस अनुकूल वातावरण से जोड़ें। हमारे विश्वविद्यालय को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करें जहां जनकल्याण के लिए नई नई अनुसंधान किया जाए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हब बने, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बने। मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि हमारे शिक्षण संस्थान देश और प्रदेश में नई क्रांति और सामाजिक संपन्नता और समता के संदेश वाहक भी बने। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। सभी शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों से ये अपेक्षा है कि ये इस इकोसिस्टम का भरपूर लाभ उठाए और अपने विद्यार्थियों को रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करें। उनका ये प्रयास भारत को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में एक सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कौशल आधारित शिक्षा, लचीली पाठ्यक्रम और बहु विषयक दृष्टिकोण पर बल देने हुए हेतु भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को इस शिक्षा नीति को लागू करने में तत्परता दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक शिक्षा की सुविधाएं पहुंचना एक विश्वविद्यालय का मूलभूत कर्तव्य है। उनके अनुसार एक शिक्षण संस्थान को सभी वर्गों के विद्यार्थियों के बिना किसी भेदभाव के बिना अच्छे शिक्षा देनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 50% आरक्षण देकर उनके उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर बना ये विश्वविद्यालय उनके आदर्शों के अनुसार देश प्रदेश में शिक्षा का प्रसार करता रहेगा। आज इस विश्वविद्यालय में बिरसा मुंडा स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे विश्वास है कि विभिन्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी से युक्त ये सेंटर स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। मैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाने के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। आज के दिन आपको कई सालों की कड़ी मेहनत का फल मिलता है। ये आपके और आपके परिवार के लिए हर्ष, उल्लास और गर्व का क्षण होता है। मुझे बताया गया है कि आज डिग्री लेने वाली विद्यार्थियों में से 42% लड़कियां हैं। साथ ही गोल्ड मेडल पाने वाले भी 60% छात्राएं हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूं और बेटियों की विशेष सराहना करती हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी अभिभावकों को भी बधाई देती हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और तपस्या से देश को इस युवा शक्ति से धनी किया। मैं सभी शिक्षकों को भी सराहना करती हूं जिन्होंने अपने मेहनत और समर्पण से इन छात्र छात्राओं को ज्ञान से समृद्ध किया। आज इस अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आज से ही प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को कभी भी अपने मन मस्तिष्क से दूर ना होने दें। आप में से कोई विद्यार्थी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे, कुछ सरकारी सेवाओं में के जरिए और अपने जीवन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी से सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे इंटरप्रेनर्स बनेंगे। मैं चाहूँगी कि आप में से कुछ बच्चे अच्छे टीचर व प्रोफेसर भी बने। एजुकेशन और टीचिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तम शिक्षकों का होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस बात पर जोर देती है कि शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। इसलिए शिक्षकों और टीचिंग प्रोफेशन को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमारे होनहार छात्र छात्राओं को टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाकर देश के भविष्य को सुंदर बनाने में बहुमूल्य योगदान देना चाहिए।
प्यारे विद्यार्थियों, आप सब एक चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में प्रवेश करने वाले हो। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने आपको हर चुनौती का सामना करने और देश की सेवा करने के लिए सक्षम बनाए हैं। आप अपने पूरे क्षमता का उपयोग करें और देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाने का संकल्प लें। आप सब शिक्षा और ज्ञान के बल पर जीवन में खूब उन्नति करें, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन इसके साथ साथ अपने संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहना बहुत जरूरी है, तभी आप एक सार्थक और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। अमृतकाल का ये समय सक्रियता और प्रगतिशीलता का है। देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करें उत्कृष्टता से करें। कभी भी क्राइसिस सिचुएशन आए तो उसका समाधान निकालने के बारे में सोचें, उसे एक अवसर की तरह देखें। ये आपकी प्रतीक्षा की स्रोत को बढ़ाएगा और आपके व्यक्तिगत को और अधिक उभारेगा। मैं महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी से उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जाए तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मौत में तो विपदाएं हैं, प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरे जो कच्चे हो, जिनकी शिक्षा दिखाएं, जिनकी शिक्षा दिखाएं कच्चे हो, उनको वही परीक्षाएं से डरते हैं। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने समर्पण और ईमानदार प्रयासों के माध्यम से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदार लेंगे और साथ ही सामाजिक और नैतिक मूल्यों से भी जुड़े रहेंगे। मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों और इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों को बधाई देती हूँ। आप सबको एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र के निर्माण कार्यों में दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ जुड़ना है और अपना अमूल्य योगदान देना है। आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।